किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, तो कभी जीवन में अगर मौका मिल जाए और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको, तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी, दुख में भी सुख आएगा। किस्मत में दुख लिखा है वो तो आएगा, पर दुख में भी सुख की अनुभूति होगी, आएगा दुख पर दुख भान नहीं होने देगा। पांव में अगर ठोकर लगी है तो थोड़ी तो चोट लगेगी, पर जूता पहने हो तो ज्यादा लगेगी क्या, जम के तो बोलो रे नहीं लगे, क्योंकि जूता पहन रखा है, तुमने पहले से सेफ्टी कर रखी है तो चोट नहीं लगेगी, ठोकर लगी, कष्ट हुआ, पांव में थोड़ा कष्ट हुआ पर इतना नहीं हुआ, अगर नंगे पैर होता चोट लगती तो ज्यादा लगती। अष्टमी बहुत सुंदर दिवस है, बहुत बहुत बधाई है महाराज। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनिया तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर, जहाँ पर अशोक सुंदरी का स्थान है उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर, अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है, मात्र 3 महीने अशोक सुंदरी का स्थान। शिव बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहाँ से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहाँ से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहाँ पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ, उसकी डंडी जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे।
एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्या बाई। साधारण सा भाव है, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि कादिक जो भी सेवा करने वाला है काम करने वाला है वर्कर है वो कर रहा है तो हम क्यों करें। अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ, नौकर करेगा नहीं, वर्कर करेगा नहीं, स्वीपर करेगा नहीं, तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है, ये मेरा देव अतिदेव महादेव देता है। और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक पुष्प, आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधि देव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है, वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी, बोलो, धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है लीवर किडनी कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर महामृत्युंजय का स्मरण कर एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या पांच धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो जहां कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहां कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतू। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो हमारी फुल वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।